थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आईफोन कैसे खरीदी थी। नहीं भाई, अरे आराम से आराम से बताओ। मार दिया। कल नेचर ने मुझे सरप्राइज किया, 1,00,000 व्यूज अचानक हो, छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था वायरल होगा। पर वांट दिस टू हैपन मोर ऑफ्टन, क्योंकि लेट्स एडमिट इट, अगर आप हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं जैसे कि मैंने बहुत ज्यादा किया है, दिस इज माय 231st व्लॉग, तो यू डिजर्व कि आपको अटेंशन थोड़ी सी मिले। तो मैं किसी तरह से कोशिश भी रात रात में कर रहा था अपने टेक्निक से, जो भी मैंने सीखा कि कैसे मैं नंबर्स बढ़ा सकता हूं, ग्रोथ कैसे चैनल कर सकता हूं। और मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूं जो छोटा व्लॉगर के लिए छोटे काम हो और तब उससे व्यू पाऊं, वो तो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने दूसरा तरीका सोचा कि एंटरटेनमेंट सबको पसंद है, उससे चैनल ग्रो होगा। तो शॉर्ट्स मैंने ट्राई किया और फर्स्ट शॉर्ट जो मैंने बनाया वो ब्लू हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइबर बढ़े जाएं, ये आपको एक्सपीरियंस करना बनता है, क्योंकि वो आपको फिर एक बिलीव देता है कि हाँ फिर नेक्स्ट वीडियो में वायरल ऐसा ऐसा कुछ कुछ हो सकता है। अच्छा होता कि व्लॉग्स अगर ऐसे वायरल हो जाता तो ज्यादा मजा आता, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेचर ने ऐसा गिफ्ट थोड़ा सा दिया है तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मुझे सरप्राइज मिला तो मैं भी एक सरप्राइज देने वाला हूँ, इसीलिए बैट का शॉर्ट आपको दिखा रहा था कि नमन को एक सरप्राइज देने वाला हूँ, उसको बैट दे देता हूँ, क्योंकि यश ने एक बैट खरीद लिया है पहले से एसएस का ड्यूज बैट, तो अब उसे तो जरूरत पड़ेगी ना, मैं बैठ कर करूंगा कि बेचारे येलो लड़कियां खेलेंगे मजे से, तो उसको बुलाते हैं, उसको देते हैं। आईपीएल भी स्टार्ट हो रही है, ही सपोर्ट्स मुंबई, आई सपोर्ट इफ यू डू नॉट नो आरसीबी, क्योंकि इसमें डिविलियर्स है, डिविलियर्स बेचारा एक भी कप नहीं जीता है। 2004 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, आज तक कोई बेचारा मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता, एक जीता था जब साउथ अफ्रीका ने 434 चेज किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो वाले दिन में डिविलियर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। डिविलियर्स बेचारे को कुछ तो कप जिताना है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। नमन आ जाओ, आना जल्दी, तुमने तो मिस कर दोगे फिर, जाओ तुमको क्या ना, तुम जाओ, रो रहो वही रहो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है ये बैट तुम्हारा, क्योंकि हम लोग को नया बैट मिल चुका है, यश भैया खरीद लिए, तो जाओ तुम खेलो अब, थैंक यू, ठीक है जाओ मजे करो, बाय। ये उतना खुश नहीं हुआ जितना मैं हुआ था। लुक एट दैट, अभी तो कुछ भी नहीं है लगता है, ये पूरा नीचे तक जाएगा तब कैसा दिखेगा मैं वो सोच रहा हूँ। अगर आपने गणेश पूजा वाला ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे दीदी के घर में थोड़ा सा पैरालौकिक घटनाएं घटित हुई थी, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। तो मैंने दीदी को पूछा कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करने का सोच रही हो क्या तुम, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह ऐसा वैसा, तो बोलती है अरे हाँ। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा अगर करोगे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें कैसे पता, तो मैंने बोला कि मैं बचपन में हॉन्टिंग देखता था डिस्कवरी चैनल पे, डरावना सा सीरियल आता था 10 बजे रात या 11 बजे, हॉन्टिंग या हॉन्टेड में दिखाते थे, जिस भी भूत के घर में ऐसे वैसे जो लोग रहने जाते थे वहां पे जाके जब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते, जैसे दीवार से पोर्ट्रेट का किसी का निकालना या फिर से चिपकाना, पूरा भूत लोग भड़क जाते थे, सारे भूत लोग अपना जिंदगी, प्रिवेसी नाम का चीज है कि नहीं, ऐसे कैसे कर रहे हो भैया, नहीं और भी ज्यादा परेशान करूंगी। तो ये याद रखने वाली बात है कि ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन काम, ये कंस्ट्रक्शन देख के ये बात याद आ गई थी। एक जा भैया रुकिएगा, हट जा हट जा हट जा, बचपन में इसने काटा था तो 4 दिन तक स्कूल नहीं जा पाया था आंख के पास, तब से इन लोगों को छेड़ना बंद कर दिया, बड़ा खतरनाक डंक होता है इन लोग। वेल दिस इज अ गुड ट्राइपॉड, ये बेंड नहीं होगा, रेकर वेकर कुछ भी आएगा ये सब सह लेगा। अरे यार इसे पहन लूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आवाज फटी फटी नहीं आए, टेस्ट करके ये काम करता है कि नहीं करता है, बड़ा अजीब सी, नहीं भाई, अरे आराम से बताओ। मार दिया, एमटी को चक्कर आ गया क्या, तुम लोग आराम से खेलो, एमटी को चक्कर आ गया यार। मम्मी भी अजीब है ना, हेलमेट के अंदर आलू रखती है, पूरा वाइजर जो है गंदा उंदा हो गया है, पानी वानी, क्या अजीब हाल है, बिल्ली ने रास्ता भी काट दिया। अगर आप फुल टाइम व्लॉगर नहीं हो ना तो आप वही 5-6 miles के अंदर व्लॉगिंग करते हो, नया फुटेज कुछ नहीं आ पाता है, और अगर नया लोकेशन आपके व्लॉग में नहीं आता है, व्लॉग डज नॉट लुक गुड। सब जगह क्रिकेट ऑन है, प्रेम रहता तो मैं भी खेलता, पर अपने प्रेम भाई अभी है ही नहीं, क्रिकेट खेलने का मजा बस उसी के साथ आता है। बचपन में मेरी फेवरेट टीम होती थी ऑस्ट्रेलिया, मेरा फेवरेट बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट, और वो हमेशा इंडिया,
कितना इंडिया का सपोर्टर है वो। 2015 में जब सेमीफाइनल में इंडिया हार गई थी ना, तो मैंने उसे फोन करके पूछा था, तो अभी तक मुझे याद है उसने क्या कहा था, क्योंकि मेरा एग्जाम था आईपी का नेक्स्ट डे। अब वो बोलता है कोई बात नहीं, अगले साल वर्ल्ड कप T20 का है, वो जीतेंगे। बाप रे, इतना उम्मीद कहाँ से लाता लड़का। इंडियन फैंस में उम्मीद बहुत ज्यादा होता है। तो देखता हूँ, एक ऑडियो का व्यवस्था करता हूँ मैं। अरे वाह, ये क्या फ्लैट व्लैट है क्या, मिल रहा है क्या यहाँ पे, क्या बात करते हो। अरे जाना किधर है भाई, अरे किधर जाना, किधर इधर तो रास्ता बंद है, घुमाना पड़ेगा। किधर आ गए, मुझे भी देवघर के बारे में ज़्यादा पता नहीं, मैं घूमता घूमता नहीं था ना, अब मुझे जाना है उधर यार, यही रास्ता होगा। जितने जितने जगह जाके मैंने पढ़ाया है, सब जगह मैं जा रहा हूँ वापस, कि मुझे याद आए कि मैंने क्या क्या किया है, अब उन सारी जगह वापस जा रहा हूँ। 2-3 जगह तो सुबह जा चुका हूँ, अब थोड़ी सी जगह बिलासी की तरफ बची है, क्योंकि बहुत जल्द पढ़ाई छूट। अरे डस्टर, अब हेरियर, हेरियर सही दिखती है, एक नंबर हेरियर बहुत सही दिखती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा ब्रेकर ये नहीं झेल पाएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग जगह दिखाता हूँ अभी, जस्ट वेट। एक बार मैं इसी रोड पे जा रहा था, मुझे पुलिस ने रोक लिया, और अभी तो बाइक वाइक कुछ नहीं होती थी अपने पास, सब जगह पैदल पढ़ाने जाता था। शहीद आश्रम रोड से हिंदी विद्यापीठ, फिर हिंदी विद्यापीठ से भी दिखाता हूँ कहाँ पे आता था मैं। थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आईफोन कैसे खरीदी थी। ये रामपुर तरफ है ना, तो मैं जा रहा था ना, तो एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोक लिया। उसने बोला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आई सेड यस। आपकी आंखें बता रही हैं कि आप बहुत ही पढ़ाकू वाले बच्चे हो। मैंने बोला थैंक यू, चलो दोस्तों के साथ इधर आता था सर, इधर खोपड़े डी है स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, वही अच्छा। बाप रे, थोड़ा और आगे और आगे, मतलब मैं 4 बजे अगर यहाँ पे क्लास लेना मुझे होता था, तो 5 बजे कहीं और क्लास लेना होता था। मुझे मेरी आँख देख के उन्होंने मुझे एज ए ट्यूटर रख लिया, बस मैं इधर ही आता था राइट साइड। तभी वापस एंटी पे बैठ के इधर आने से, आईफोन से शूट करके व्लॉग बनाने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं सातर भी जाना चाहता हूँ, हो सकता है कल जाएं। तो मैं 6-7 जगह पढ़ाने जाता था, वो 2-3 thousand के आसपास मुझे मिलते थे, तो 20,000 बना लेता था। 5-6 महीने ऐसे ही हार्ड वर्क किया था, कुछ मनी सेव करके इन्वेस्ट कर दी, कुछ मनी से आईफोन खरीद लिया, तो ये सब पैसे से मैंने आईफोन खरीदा था। बाप रे, सबसे मुश्किल तरीका होता है स्टार्टिंग में कमाना। लेकिन ये लखो पहाड़ का व्यू दिख रहा है, बस वही ये व्यू भी देखने में आया था। इफ़ यू कैन सी, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन, मैं इधर आ तो गया भाई, जाऊँगा कैसे। एक होता है टॉर्चर, फिर आता है 3rd degree टॉर्चर, बाद आता है हेलमेट में ताम झाम लगा के, मास्क पहन के, हेडफोन लगा के गर्मी में ब्लॉक करना। इससे बड़ा टॉर्चर जिंदगी में मैंने नहीं फेस किया, यूनिवर्सिटी से कम है। तभी चलते हैं वापस घर, अभी इमोशनल हो गया थोड़ा सा सोच सोच के, तो अभी वापस घर जाते हैं, वहाँ जाके बात बात करते हैं, अगर जाके कर पाए तो। बाय। घर आते रहते हालत खराब हो चुका है, अब काम करने का टाइम वापस आ चुका है, मतलब एक काम खत्म होता है दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने खरीदा था आईफोन, अगर आपको भी व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आईफोन लो, क्योंकि कैमरा तो ज्यादा बड़ा नहीं खरीद सकते और छोटे कैमरे से भी काम कर सकते हो, पर तो मजा नहीं आता स्टार्टिंग व्लॉग में, तो बस आईफोन से ही सब काम हो जाता है। तो मैं चला क्लासेस करने वापस, मैं ऐसे प्रेशर में आके काम नहीं करता हूँ कि चल के जाना पड़ेगा, मजे से पढ़ाता हूँ, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ज्यादा ऐसे नहीं पागलों के, ऐसे 8-10 क्लास पढ़ाता हूँ, 8-10 घंटे, 5-6 घंटे ऐसे ऐसे पढ़ा देता हूँ, सुबह 2 शाम में 2। और बताना शॉर्ट्स कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, बुरा लग रहा है, सब जो होगा बता देना, कि मैं अभी स्टार्टिंग में बना रहा हूँ, पता है मुझे कोई आइडिया ज्यादा कुछ नहीं रहता, पर बनाने में मजा आता है इसलिए बना देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, लर्न टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।